ओके आज का ये टेक्निकल एनालिसिस में नया टॉपिक चालू करने से पहले पिछले 2 सेशन में हमने क्या किया था। पहला हमने किया था व्हाट इज ट्रेंड, जिसमें एक अप ट्रेंड होता है, दूसरे में डाउन ट्रेंड होता है और तीसरे में साइडवेज होता है। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। इन केस ऑफ अप ट्रेंड इट विल कंटिन्यूअसली मेक हायर हाइस एंड हायर लोस। इन सच ए केस इट विल बी कंसिडर्ड द प्राइस इन अप ट्रेंड, एंड इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली लोअर हाई एंड लोअर लो। ये था। और साइडवेज में क्या था, कभी हाई को तोड़ेगा, हाई को तोड़ के ऊपर गया, यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ के नीचे आ गया, फिर लो को तोड़ा, समथिंग लाइक दिस। देयर इज नो ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द साइडवेज मार्केट। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था ट्रेंड रिवर्स। ट्रेंड रिवर्सल का क्या था, एक ट्रेंड रहेगा, प्राइस कैन नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन अप और स्ट्रेट लाइन डाउन। ये कभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इन रैंडम ऑर्डर इट विल मूव, लेकिन उस रैंडम ऑर्डर में भी हमें कुछ सर्टेन फाइनल फुटप्रिंट्स देखना है टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मान लेते हैं एक प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो बना रहा था, एवरी अपटिक में समवन विल बुक देयर प्रॉफिट। सपोज समवन हैज ब्रॉट बॉट ए शेयर हियर एंड ही मे बुक द प्रॉफिट हियर, समवन मे बाय फ्रेश बाय हियर, ही मे बुक हियर, समवन मे बाय हियर एंड बुक द प्रॉफिट शेयर एंड सो ऑन। समवन विल बाय हियर एंड फाइनली विल ट्राई टू बुक हियर। सो ड्यू टू दिस मार्केट विल नॉट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, रेदर इट विल मूव इन ए फैशन। अगर आप ट्रेंड में जाना है तो रेगुलरली ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाएगा। सपोज ना, नाउ द क्वेश्चन इज दैट यू आपने या इस पोजिशन पे अपने लॉन्ग बिल्डअप किया, तो कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। कोई बोलेगा 5% मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कोई बोलेगा 10% या 20% मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कोई बोलेगा डबल हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं ये 4 गुना करूंगा या 6 गुना करूंगा या 10 टाइम्स करूंगा। लेकिन फिर भी मार्केट जब एक ऑर्डर में चलता है, आप अगर इस समवेयर हियर कुछ पोजीशन में आपने लॉन्ग बिल्डअप किया तो इसको कब तक पकड़ के रख सकते हैं इन ए टेक्निकल वे। तो उसके लिए हमें देखना है ट्रेंड रिवर्स। ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ट्रेंड रिवर्सल जानने के लिए पहले हमें जानना है व्हाट इज ट्रेंड, जहाँ पे कंटिन्यूअसली ये हायर है हायर लो बना, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये साइडवेज मूव बनाएगा, उसके बाद ये लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाता रहेगा। समवेयर हियर जब ये आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनाता रहेगा, यू कैन एग्जिट योर पोजिशन इन दिस पॉइंट। देयर बाय आप जो यहाँ पे बाई कर रहे हो, बट यू कैन नॉट सेल एट द टॉप। इन शेयर मार्केट कोई भी बॉटम में बाई नहीं कर सकता है और टॉप में जाके बेच नहीं सकता है। वी कैन बाई लिटिल बिट हायर समवेयर इन दिस रेंज एंड वी कैन सेल समवेयर हेयर इन दिस रेंज, नाइदर वी कैन कैच द टॉप नॉर द बॉटम। तो यहाँ पे इस दुनिया पे शेयर मार्केट में, वेदर इट इज इन इंडियन मार्केट और एनी ग्लोबल मार्केट, ओनली टू क्लास ऑफ पीपल्स कैन कैच द टॉप एंड द बॉटम। एक तो है भगवान, जिनको सब कुछ पता रहता है कि ये यहाँ से घूमेगा और यहाँ पे जाके उसके बाद फिर टर्न अराउंड होगा, दैट इज
one class of people, that is the God, the Almighty, और सेकेंड क्लास ऑफ पीपल इज द लायर, यानी झूठे, जो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। तो वो लोग बोलेंगे मैंने यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे बेचा, क्योंकि ये जो टॉप है या बॉटम है कभी भी कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस पे हम एक एसेसमेंट करने का प्रयास करते हैं जहाँ पे आपका ये हो सकता है कि प्राइस कैसे कहाँ से ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है या कहाँ से रिवर्स हो सकता है। वी कैन जस्ट ट्राई टू एसेस, वो भी 100% गारंटी के साथ में विद सर्टेन प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे जब ये रिवर्स करने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दैट इज द ट्रेंड रिवर्स। पहले क्या था, हायर हाई हायर लो था, फिर लोअर लो बन रहा है। जैसे लोअर लो बन रहा है, आपको पता चल जाएगा कि अभी एटलीस्ट टेम्पोरली इसका टॉप बन गया, तो आप क्या करोगे, इस लेवल पे एग्जिट करोगे। उसके बाद जब भी ये फिर दोबारा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करेगा, यू कैन एंटर अगेन। ये हो गया आपका, आप अगर लॉन्ग बिल्डअप करते हो तो। आप अगर शॉर्ट बिल्डअप करते हो, सपोज ये नॉन स्टॉप लोअर हाई लोअर लो कर रहा है और आप समवेयर हियर अपने सेल बिल्डअप की, अभी इक्विटी में आप शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकते, ओनली ऑन इंट्राडे पर्पस यू कैन डू द शॉर्ट सेलिंग, लेकिन आप फ्यूचर्स में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में शॉर्ट कर सकते हो या आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो। एक डाउन ट्रेंड के बाद आपने अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन कॉल ऑप्शन आपने सेल किया, तो उसको कहाँ पे आपको घुमाना है, कहाँ पे बाद ये ट्रेंड चेंज होगा। तो यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका एक साइडवाइज एक आएगा प्राइस, उसके बाद फिर हायर हाई हायर लो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हायर हाई हायर लो बनाने का प्रयास करेगा, this will be considered as the trend reverse. So इस level पे आप exit कर सकते हो at point B. You cannot buy back here, you cannot sell here. So this is about the trend reversal जो हमने पिछले class में discuss किया था। यहाँ पे हमने different phases of a market हमने discuss किया था। एक है accumulation, followed by markup, then distribution, and then followed by markdown. So these are the different four phases of a market cycle. Market cycle कैसे behave करके market कैसे move करते हैं, ये four cycle से हम experiments उसको देख सकते हैं। Markup, accumulation, followed by markup, followed by distribution, and then followed by markdown. Accumulation and distribution का characteristic is sideways characteristics, यानी कभी high both हो रहेगा तो कभी low तो। Markup and markdown का some sort of आपका uptrend या downtrend का characteristics हम वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये हो गया आपका पिछले session का हमने जो discuss किए थे, it's about the review. अभी हम आज देखने का प्रयास करेंगे trend line. What is trend line? ट्रेंड लाइन यानी एक लाइन होगा जो एक पार्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ने का कोशिश करेगा, एक ट्रेंड को, वेदर इट इज एन अप ट्रेंड और ए डाउन ट्रेंड और ए साइडवेज ट्रेंड, उसको पकड़ने का कोशिश करेगा। तो ट्रेंड लाइन, एक है ट्रेंड, दो वर्ड से ये बनता है, एक है ट्रेंड, दूसरा वाला है आपका लाइन। तो पहले लाइन, जैसे ही हम एक लाइन बोलते हैं तो क्या होता है, दो पॉइंट को जोड़ के हम ऐसा एक लाइन खींच देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, दोनों को जोड़ के अगर हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन। ये अगर मार्केट पार्लेंस पे अगर एक ट्रेंड को कैचअप करेंगे
इसको हम बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स का जरूरत, मिनिमम 2 पॉइंट्स नीडेड। तो 2 पॉइंट्स के लिए कैसा पॉइंट होना चाहिए? अगर हम हाई को पकड़ते हैं तो 2 हाईस, 2 लोस, आइदर 2 हाईस और मोर देन 2 हाईस, और मोर देन 2 हाईस। तो जब हम ज्वाइन करेंगे विथ ए स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी ए ट्रेंड लाइन, एंड 2 लोस और मोर देन 2 लोस को हम अगर ज्वाइन करेंगे देन इट इज ऑल्सो ए ट्रेंड लाइन। तो दिस इज अबाउट द लाइन। हम क्या करते हैं, एक चार्ट में आ जाते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम, अभी कोई भी टाइम फ्रेम में, वेदर इज 5 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, कुछ भी। अभी हमें देखना है ट्रेंड कैसे बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 लो को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक लो है और यहाँ पे एक लो है, उसको ज्वाइन करके खींच दिया, एक ट्रेंड लाइन हो गया। या हम यहाँ पे एक हाई को और इस हाई को जोड़ दिया तो एक ट्रेंड लाइन बन गया। या हम क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स को हम जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, समथिंग लाइक यहाँ पे देखो, फॉरगेट अबाउट द टाइम। तो यहाँ पे हम करेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जो जो आ गया। सो यहाँ पे कितना टच पॉइंट है, एक टच पॉइंट, ये वाला टच नहीं किया, ये टच किया, ये टच किया, यानी 3 to 4 पॉइंट्स टुगेदर मेड द ट्रेंड लाइन। सिमिलरली आप अगर ऊपर में देखोगे तो हम यहां से भी यहां को खींच सकते हैं, या यहां से यहां को खींच सकते हैं, या यहां से यहां तक खींच सकते हैं, एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, जब हम हाई से हाई के साथ जोड़ रहे हैं, लो से लो के साथ जोड़ रहे हैं, हाई को लो के साथ या लो के हाई के साथ जोड़ नहीं रहे। अप टू दिस इज क्लियर? यस तो सपोज वी आर टेकिंग एनीथिंग, एनी चार्ट, यहां पे देखो इस हाई और इस हाई को जोड़ने का प्रयास कर सकते, और इसके बाद इसको हम खींच देते हैं। तो आप किसी को परफेक्टली टच करेगा, किसी को स्लाइटली ब्रेक करेगा, किसी को स्लाइटली मिस करेगा, लेकिन हमारा पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था, और इस पॉइंट को जोड़ते हैं, इस पॉइंट को, यानी हमारा जो टारगेट था एक यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद खींच के हमने क्या किया, आगे तक एक्सटेंड कर दिया, तो एक ट्रेंड लाइन हो गया। अभी इस ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किया, एग्जैक्टली वहां पे नहीं आया लेकिन नजदीक आया। सो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे या रेजिस्टेंस बोलेंगे? इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। करेक्ट, यानी एनी लाइन जिसके नीचे प्राइस रहता है या रेस्पेक्ट करता है उसको रेजिस्टेंस लाइन हम बोलेंगे, और ऐसा लाइन जिसके ऊपर प्राइस सस्टेन करते हैं उसको हम
क्या बोलेंगे, सपोर्ट लाइन बोलेंगे. सो फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ ट्रेंड लाइन. जहां पे क्या था, ट्रेंड लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ट्रेंड, सेकंड वन इज द लाइन. तो लाइन खींचने के लिए जैसे हम लोग बेसिक जब स्कूल मैथमेटिक्स में करते थे, ग्राफ पेपर में दो पॉइंट को जोड़ते थे और खींच देते थे, दैट बिकम्स अ लाइन. हियर ऑल्सो वी नीड टू आइडेंटिफाई टू पॉइंट्स, आइदर द टू हाईज और द टू लोज. एक का हाई दूसरे का लो नहीं करेंगे. Then it becomes trend line. अभी trend line उस ऐसा एक line जिसके नीचे अगर price रहता है तो this is expected to act as a resistance. और ऐसा एक line जिसके ऊपर price रहता है तो उसको हम बोल सकते हैं support line. So ये हो गया support line as well as resistance line. अभी एक arbitrarily कुछ भी हम ये पॉइंट को खींचते हैं और ये पॉइंट को खींचते हैं लगा के, उसके बाद हम आगे खींच देते हैं. कौन कौन सा दो पॉइंट हमने टारगेट किया, एक ये पॉइंट को टारगेट किया, दूसरा ये पॉइंट को टारगेट किया. दोनों दोनों स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों ही हाई है, नॉट द लोज. ठीक है, देन क्या हुआ, दो पॉइंट को देने के बाद तीसरे बार जब इस एरिया पे प्राइस आया, इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया एंड इट हैज बिकम ए रेजिस्टेंस लाइन. तो जब प्राइस यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या रेजिस्टेंस लेने नहीं लेते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, क्या होता है वो हमें देखना है. ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन. सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लाइन कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आप लोस को ज्वाइन करोगे तो एक सपोर्ट लाइन आएगा. जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये पॉइंट को किया था और सपोज इस पॉइंट को हमने किया और एक्सटेंड कर दिया. कौन कौन सा दो पॉइंट को हमने किया, ये पॉइंट को किया और ये पॉइंट को किया. तो इस दो पॉइंट का जब किया, यानी प्राइस जब इस जगह पे था, यहाँ पे लो मार के ऊपर गया, तो हमारे पास दो पॉइंट आ चुका है. दो पॉइंट आने के बाद हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया. इन फ्यूचर जब भी आ रहा है, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया. फिर यहाँ पर भी देखो सपोर्ट लिया, हाँ थोड़ा सा नीचे सस्टेन किया, क्योंकि ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि रावण उस लक्ष्मण रेखा के अंदर में पांव घुसाएगा तो पांव जल जाए, ऐसा कुछ नहीं है. अगर लक्ष्मण रेखा होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक झटका, जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन या इम्पोर्टेंट कोई इंस्टॉलेशन रहता है तो उसके बाउंड्री के चारों ओर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट का तार चलता रहता है, ताकि कोई भी छुएगा तो झटका मारेगा, ताकि अंदर में आना है ना पाए. तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, दीज आर नॉट लक्ष्मण रेखा कि इसको तोड़ नहीं पाएगा. कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के बाद फिर अंदर चला आता है, तो इट हैज बिकम ए सपोर्ट लाइन. यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम पास किया नीचे की तरफ, व्हाट इट मींस ए सपोर्ट लाइन. ए सपोर्ट लाइन इज ए सपोर्ट लाइन, ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन इज ए सपोर्ट लाइन टिल प्राइस रेस्ट्स. यानी ये कब तक सपोर्ट रहेगा, जब तक प्राइस यहां पे आने के बाद फिर बाउंस बैक करता है. एक बार अगर ब्रेक कर देता है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सपोर्ट लाइन. Similarly, a resistance line will be considered as a resistance line till the price respects it. ठीक है? अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देखोगे कभी ये हॉरिजॉन्टल होगा,
कभी ये इंक्लाइंड होगा। सपोज हमने ये लो को पकड़ा और ये लो को पकड़ा, पकड़ के हमने खींच दिया, ये हमने खींच दिया तो ये इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन होगा, इंक्लाइंड इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन। कैसे है ये देखोगे, यहाँ पे हम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर में करते थे ना बचपन में, क्लास 7, 8, 9, 10 के मैथ्स के क्लास के टाइम पे, समथिंग लाइक दिस। अभी ये ग्राफ पेपर अगर है तो ये एंगल इज अबाउट नॉट एग्जैक्टली 45 डिग्री, मे बी अराउंड 40 टाइप्स डिग्री। 45 होगा तो कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस, हाफ 90 का हाफ। पहले हम ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो लो पॉइंट को या दो हाई पॉइंट को जोड़ना है, दैट इज द ट्रेंड लाइन। अगर उस लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट लाइन, उस लाइन के नीचे प्राइस अगर सस्टेन करता है दैट इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंस लाइन। नाउ वी आर कमिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। क्या ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, इंक्लाइंड होगा, वर्टिकली 90 डिग्री टाइप होगा? एग्जैक्टली 90 नहीं होगा, मे बी से 80, 75, 80, 85 टाइप हो सकता है। यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल इज अराउंड 40 डिग्री टाइप। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट से यहाँ का एक लो लेंगे तो ये देखोगे इट्स अबाउट सेवन, कितना होगा, मोर देन 60 डिग्री। अप मूव कुछ कुछ प्राइस होगा, हम देखेंगे, एकदम बराबर 90 नहीं होगा बट समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। अभी हम कुछ डिफरेंट चार्ट्स में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को देखने का प्रयास करें। सपोज इसका मैं डेली लाइन कर रहा हूं, यहाँ पे देखो एक पहले से ही एक लाइन खींचा हुआ, कौन सा पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, जब जब प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ पे आके रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट तक नहीं आया लेकिन उसके नजदीक आके फिर रेजिस्ट, तो ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन। इसका इंक्लाइनेशन अराउंड 45 डिग्री टाइप होगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आने के बाद ये ब्रेक कर दिया, यानी अभी ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, ये ब्रेकआउट कर गया, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है एज ए रेजिस्टेंस खत्म हो गया। यहाँ पे और कुछ डाला हुआ था, देखते हैं क्या डाला हुआ था पहले का। हाँ यहाँ पे देख, ये यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को, या इस पॉइंट को हमने डाला था, लेट इट बी दिस वन ओनली। तो आप देखोगे यहाँ पे आने के बाद भी प्राइस ऊपर चला गया, ये कौन सा टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम। जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम लोगे उतना ही उसका इम्पोर्टेंस मीन्स मूवमेंट ज्यादा होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतना ही उसका इम्पोर्टेंस या रिलेवेंस कम हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया ट्रेंड लाइन, ये इसका भी एंगल करीबन 40 डिग्री टाइप होगा। इम्पोर्टेंस क्या होता है, 45 डिग्री टाइप ऑफ ये इंक्लाइंड होता है तो जो ट्रेंड होगा वो ट्रेंड में लॉन्जिविटी ज्यादा होगा, यानी उसका ज्यादा लंबा चलने का प्रयास कर सकता है। अभी यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वीकली बेसिस में,
यहाँ पे एक देखो, हमने जो डेली बेसिस में हमने डिस्कस किया था, ये डेली बेसिस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। सिमिलरली आप अगर वीकली बेसिस में देखो, इसको और इसको खींचेंगे और नीचे लेके आएंगे, तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रेंड लाइन। जो यहाँ पे आप बोलोगे निगेट किया, निगेट किया, ऊपर गया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए थोड़े टाइम के बाद, यानी एक कैंडल। इसमें कौन सा एक कैंडल? वीकली चार्ट में एक कैंडल बोले तो एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा नीचे आ। फिर यहाँ पे ये बैंड बाजा बारात के साथ ब्रेकआउट किया, उसके बाद और वापस नीचे नहीं आया। सो आप देखोगे एक बड़ा अप ट्रेंड के बीच में छोटा छोटा डाउन ट्रेंड्स भी है। सिमिलरली यहाँ पे एक देखो, ये एक लाइन और ये एक लाइन, कौन सा लाइन? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने ज्वाइन किया, दो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, एंड दैट हैज बिकम ए अनदर ट्रेंड लाइन व्हिच इज विद इन द बिगर ट्रेंड। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत बड़ा बिगर ट्रेंड लाइन है, उसके अंदर में अप ट्रेंड लाइन भी है, डाउन। यहाँ पे जब इस जगह पे आके इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर ये दोबारा यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेके आया, उसका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, दैट इज द चेंज इन पोलारिटी, नेक्स्ट डिस्कशन में आएंगे उसके बारे में। तो आप कुछ भी करो, सपोज आप दो पॉइंट ही लेना है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेके ऊपर खींच दिया। तो देखो जब तक ये लाइन की ऊपर था, प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया, एक बार ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर गया तो ये कितना नीचे आ गया, ये आपका कोरोना का टाइम का ट्रेंड लाइन है वीकली में। अभी ये तो हो गया आपका लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम में, अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी डाल के देखते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अगर शॉर्ट टर्म में खेलोगे तो 1 मिनट में भी आप ट्रेंड लाइन कर सकते हो। अभी अनदर 10 मिनट्स आर देयर, उसके बाद हम ये क्लासेस डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम खींचते हैं, कौन सा? दो पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। आपको लेकिन घर में पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अबाउट अ ट्रेंड लाइन, कोई भी दो पॉइंट को लेके खींचो और देखो कैसा होता है, प्रैक्टिस करो। ये 1 मिनट का चार्ट है यहाँ पे और इसको जोड़ दिया, उसके बाद देखो जब जब इसके सामने आया रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर जब इसको तोड़ के ऊपर गया तो फिर अप ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे एंगल का जो काम है, एंगल ऑफ द लाइन, ट्रेंड लाइन, ये जब नीचे के तरफ है प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड कौन सा? विथ रेस्पेक्ट टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। मान लो यहां से यहां तक हम खींच के देखते हैं, इसको खींचते हैं, यहां तक खींचा और आगे लेके गया, कौन सा? दो पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। तो देखो जब ये दोबारा यहाँ पे आया, नजदीक आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, तीसरे बार जब ब्रेक किया और ऊपर गया नहीं, नीचे आ गया, ये ट्रेंड लाइन। अब हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आने वाले दिनों में, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आप अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, उसमें हम ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लस हमारा एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न को लेके हम ट्रेड करेंगे।
ये एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न बाई के लिए होता है, एम पैटर्न सेल के लिए होता है। आप उसको 1 मिनट में खेल सकते हो, 3 मिनट में खेल सकते हो, 15 मिनट में खेल सकते हो, एनी टाइम फ्रेम। सो ये जो हो गया ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन। ये जब ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन हो गया, प्राइस जब तक इसके ऊपर था, इसका एंगल देखो करीबन 40-42, यू नो सपोज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस 45 डिग्री ले लेते हैं, एग्जैक्टली 45 नहीं है, थोड़ा कम है। तो जब तक इसके ऊपर अप ट्रेंड में था, ये 1 मिनट का अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड बिकेम डाउन ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड लाइन। अभी हम क्या करेंगे, इसी ट्रेंड लाइन को हम अपने जो हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड उसके साथ हम मिक्स एंड मैच करेंगे। अच्छा यहां तक क्लियर है आपका? हाँ दादा, क्लियर अभी देखो है। ये प्राइस क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, यहां तक ये अपवर्ड हायर हाई हायर लो बना रहा है। हाँ अभी हम देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल कैसे होते हैं। फिर देखो एक हाई बनाया, इसको अगर ऊपर जाना था तो इस लो को तोड़ना नहीं था। कौन सा लो को? इस लो को तोड़ना नहीं था, ये लो को, ये लेटेस्ट स्विंग लो है, इसको तोड़ना नहीं था। जैसे इसको तोड़ दिया, ये हायर हाई हायर लो वाला काम खलास हो गया, बराबर। नाउ मार्केट विल बी आइदर साइडवाइज और डाउन ट्रेंड। उसके बाद क्या हुआ, लो को तोड़ के एक हाई बनाया। क्या ये हाई प्रीवियस हाई को तोड़ पाया? नहीं पाया। हाँ तोड़ उसके दिया। बाद नहीं पाया, उसके बाद जैसे ही इस स्विंग लो को तोड़ेगा, जैसे ही स्विंग लो को तोड़ा, ये क्या हो गया, लोअर हाई लोअर। पहले क्या था, हायर हाई हायर लो, देन ये बिकम लोअर हाई लोअर। ठीक है, तो एक तो था ट्रेंड लाइन, पहले क्या था 45 डिग्री ट्रेंड लाइन लाइन था। उसके बाद डाउन लाइन, डाउन ट्रेंड में भी एक 45 डिग्री डाउन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, जहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड चेंज के बारे में हम ग्रेजुअली आ रहे हैं। ये था आपके स्विंग, लेटेस्ट स्विंग लो, दिस इज द लेटेस्ट स्विंग लो। बराबर, हेलो, 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 जार, हेलो, तो यहाँ पे पहले हमने एक आप ट्रेंड देखा हायर हाई हायर लो, जिसको हमने ट्रेंड लाइन के साथ कंपेयर करने का प्रयास किया। फिर एक ट्रेंड चेंज जो हम डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के साथ मैच करने का प्रयास किया। अभी ट्रेंड रिवर्सल दोबारा, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड रिवर्सल देखा, अभी यहाँ पे एक अनदर ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं। जो यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, उसके बाद का जो लो है, सेकेंड लो जो है, वो प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पाया। अब देखो ये वाला एंड उसके बाद ये हाई को तोड़ दिया ऊपर की तरफ। So, ये जो डाउन ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड को इस पॉइंट के ऊपर निगेट कर गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाहते हो 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये जो चीजें हैं आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन यू कैन मेक इट आउट। तो इस
ट्रेंड लाइन पे हमने अप ट्रेंड भी देखा, डाउन ट्रेंड भी देखा, एंड चेंज हाउ द ट्रेंड चेंजेस। वो उसके बाद आप यहां पे अगर देखोगे इस रेंज के अंदर में प्राइस क्या हायर आए हायर लो या लोअर आए लोअर लो बना रहा है। हेलो এটা इस रेंज নিচে में বলা क्या হায়ার আই লোয়ার হায়ার লো বানা রহা হ্যায়? হায়ার হাই যে লোয়ার লোয়ার যে লোয়ার লো হো রহা वहां पे নিচে। देखो ना, कभी हाई तोड़ रहा है कभी लो तोड़ रहा है, दैट मींस इट इज साइडवेज ना, इट्स साइडवेज ना, হ্যাঁ এটা সাইডওয়েজ। साइडवेज। तो साइडवेज मे बी फॉलोड बाय अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सो ये जो ट्रेंड लाइन है यहां तक आपको क्लियर आ चुका है, समझ में आ गया है?